हल्द्वानी नगर निगम की ओर से रानीबाग और चित्रशिला घाट पर बन रहा विद्युत शव दाह गृह माह भर में बनकर तैयार हो जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई में लोग यहां मृतकों की अंत्येष्टि करा सकते हैं। 2,71,00,000 रुपए की राशि से बन रहा यह शव दाह गृह केंद्र तमाम अटकलों के बाद आखिरकार अब पूरा होने जा रहा है। जुलाई 2020 में इलेक्ट्रिक शवदाह गृह की नींव पड़ी थी और अप्रैल 2023 तक इसे बनकर तैयार होना था, मगर कोविड हाईकोर्ट प्रकरण और फिर कार्यदायी संस्था की लापरवाही के साथ ही कई तकनीकी खामियों के कारण कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाया। घाट पर एक इलेक्ट्रिक शवदाह गृह और 5 परंपरागत शवदाह गृह बनाए गए हैं। आपको बता दें कि हल्द्वानी समेत लालकुआं, कालाझुंगी, ओखलकांजा, भीमताल और आसपास के लोग शवों के अंतिम संस्कार के लिए रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट आते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में गौला नदी का जलस्तर बढ़ने से शव को जलाने में परेशानी होती है। लकड़ियां गीली होने के कारण शव जलाने के लिए पेट्रोल डीजल का तक इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें समय की भी काफी बर्बादी होती है, जबकि विद्युत शवदाह गृह बनने से ये परेशानी दूर होगी। एक शव का अंतिम संस्कार 1.5 से 2 घंटे में होना संभव हो पाएगा। साथ ही नदी का पानी प्रदूषित होने से बचेगा और वायु प्रदूषण भी नहीं होगा। परंपरागत तरीके से शव को जलाने से नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। गौला नदी में स्थान पर गंदगी फैली रहती है, इससे आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर कार्यक्रम और इसकी निर्माण लगभग 2.5 वर्ष हो गए हैं। उस समय ये माननीय उच्च न्यायालय में इसमें बात था, उस पर उस कारण से लंबित हुआ। उसके पश्चात वर्तमान में इसमें कार्य चल रहा है। थोड़ा सा जो वेबकॉस कंपनी है, जो कार्यदायी संस्था है, उसके द्वारा कार्य हल्का किया जा रहा है। फिर भी मुझे आशा है कि मैंने अभी नगर आयुक्त और जो सहायक अभियंता उनको कहा इस विषय में, तो मुझे ये जानकारी प्राप्त की 1-2 माह के अंदर इसकी कमीशनिंग हो जाएगी। और हमारा अनुमान है कि अग्रवार मोड पे काम किया जाए तो 1 महीने के अंदर कार्य पूरा हो जाएगा। कुछ पेमेंट की इशूज है, उसको कल रिजॉल्व किया जाएगा। जो उनके पेमेंट पेंडिंग है उसको भुगतान किया जाएगा और जो आपको संस्था है उनके प्रतिनिधियों से बात की जाएगी और प्रयास करेंगे 1 माह के अंदर ये हैंडओवर हो जाए। विद्युत तो जो कनेक्शन लगना है यहाँ पर, उसके लिए भी पेमेंट कर दिया गया विद्युत विभाग को, शीघ्र ही उसका कनेक्शन भी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक शवदाह गृह कनेक्शन के बाद ही चल पाएगा। वो काम भी लगभग 1 महीने के अंदर हो जाए।